यार हेमंत, ये खाना बना बना के ना थक गया हूँ यार। ऐसा लगता है सब कुछ छोड़ छाड़ के ना मम्मी पापा के पास चला जाऊँ। हाँ यार, घर जाने का किसका मन नहीं करता, पर यहाँ भी तो उन्हीं के लिए है ना। चला चाय पीने चलते। एक बात बता मुझे, तूने आज कस्टमर के चिली पनीर में इतनी मिर्च क्यों डाल दी थी? अबे यार, वो गल्ती से गिर गई थी, मैं सोचा खाना खराब क्यों करना, दे दिया मैंने। तो साले उसका तो सोच लेता कि सुबह उसकी हालत क्या होगी। क्या मिल गया? अबे सिमा यार, किसकी पता नहीं, अच्छी कंडीशन में लग रही है। अबे आज के जमाने में कौन सिम छोड़ता है भाई। हाँ तो ट्राई करने में क्या जा रहा है? तू ट्राई करेगा अपने फोन में डाल के। एक काम कर, राजा भाई कल भी मैंने दिए थे। अबे तो आज भी दे दे, क्या फर्क पड़ता है, आज चल। हेमंत क्या बोलते हैं, ट्राई कर। अबे भाई यार पागल मत बन यार, पता नहीं यार कहाँ यूज हो रखी है ये। तो यार कभी तो पॉजिटिव बोला कर, हमेशा नेगेटिव नेगेटिव, साला नेगेटिव इंसान। अच्छा सुन, दाल चढ़ा दी है, सीटी बजने के बाद तड़का लगा दियो, मैं जा रहा हूँ नहाने। ठीक है चल। ओ हेमंत आ गए। अबे बहरा नहीं हूँ, सीटी की आवाज अंदर तक आएगी। अबे सीटी नहीं, इसमें नेटवर्क आएगा उस सिम में। अबे यार मैं बोल रहा हूँ बंद कर दे, क्यों फटीक में पैर दे रहा, फंस जाएंगे दोनों। अबे कुछ नहीं हो रहा यार, ये बता इसका नंबर निकालना, कैसे निकालूं? अबे अपने नंबर पे फोन कर ले यार। अबे अपने ही फोन में सिम डाल रखी है, तेरा फोन कहाँ है? अबे वही देख, टेबल पे होगा, डायरी के ऊपर। अबे साले जितना खुश हो रहा है ना, पता लगेगा जब फंसेगा। अबे कुछ नहीं हो रहा, वैसे भी निकाल लो। आज पूरे 65 डेज हो गए हैं तुमसे बात किए हुए, पता नहीं तुम कहाँ हो, कैसे हो, क्या कर रहे हो, बट मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ तुम्हारे बगैर, प्लीज वापस आ जाओ। यार हेमंत तुझे क्या लग रहा है, कौन होगा? भाई मुझे तो लग रहा है ये इसका कोई बंदा होगा, और उसका ना किसी ने मर्डर कर दिया होगा। अबे भाई यार तू कितना नेगेटिव है यार, कभी पॉजिटिव भी हो जा, नेगेटिव नेगेटिव। भाई देख ऑब्वियस इसका बंदा है, और हो सकता है यार भाई उसका फोन किसी ने छीन लिया हो या चुरा लिया हो और सिम निकाल के फेंक दिया और वही सिम हमें मिल गई। भाई जितनी शिद्दत से वो मैसेज था ना कि 65 डेज हो गए हैं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मुझे तुमसे मिलना है, वो देख के लग नहीं रहा ये फोन चोरी हुआ होगा। और अगर ऐसा होता तो वो वापस जरूर जाता और उससे जरूर मिलता। क्या तो भाई तू ठीक ही रहे, तभी कह रहा हूँ भाई ये सिम खतरनाक है, फेंक दे इसे। अबे नहीं यार, सोच के देख यार वो लड़की कितना प्यार करती है, वो एक एक दिन गिन रही है, क्या 65 डेज हो चुके हैं, तुम वापिस आ जाओ। आज के जमाने में ऐसे लोग होते हैं क्या यार? साले चढ़ गई है तेरे को। अबे क्या कर रहे थे देर से? अबे भाई यार क्रिकेट मैच आ रहे हैं, तो मैंने ना दिल्ली कैपिटल पे बैट लगाई है, वो जीतेंगे और मैं पैसा कमाऊंगा। यार अब कोई ऐसा पैसा कमाता है क्या? यार मुझे तुझे ऑलम ट्रेड के बारे में कितनी बार बताना पड़ेगा जिससे तुझे समझ आए कि ऑलम ट्रेड ही है आज के टाइम में पैसा कमाने का सही और आसान तरीका। ऑलम ट्रेड?
हाँ भाई, ओलम ट्रेड एक इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन है जो ऑफर करता है ट्रेडिंग बेस, हाई रेट ऑफ रिटर्न और तो ट्रेडिंग सिग्नल, वो भी प्रोफेशनल से। हजारों इंडियन ने ओलम ट्रेड को चुना है क्योंकि इंडिया में आने वाले वन ऑफ द फर्स्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में से एक है। हाँ यार, इस प्लेटफॉर्म के बारे में कहीं सुना है मैंने। देख, जैसे कि मैं 90% रिटर्न के साथ मैंने एक एसेट चूज करता हूँ और ट्रेड करता हूँ 200 USDT की। तू तो बड़ा कॉन्फिडेंट लग रहा है यार। देख भाई, एक मिनट हो गया, अब मेरा बैलेंस 180 USDT से बढ़ गया। भाई यार, ये तो बड़ी सही ऐप है यार ओलम ट्रेड, अभी फोन में डाउनलोड करता हूँ। हाँ भाई, डाउनलोड कर ले। और गाइस, आप सब लोग आप भी मेरी तरह ट्रेडिंग कर सकते हैं। इस बार ना हम आपके लिए बोनस भी लेके आए ओलम ट्रेड के साथ में। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा होगा, वहाँ से जाके रजिस्टर करें, फिर आपको वहाँ पे मिलेगा एक इंक्रीज डेमो अकाउंट जहाँ पे आपको मिलेंगे 1,00,000 तो ट्रेन एंड ट्रेड नॉन स्टॉप। सो गाइज, यूज करो मेरा प्रोमो कोड होला जहाँ पे आपको मिलेगा 30% का बोनस ऑन योर डिपॉजिट। और गाइज, ये सब कुछ ना, ये सारा एक्सक्लूसिव ऑफर सिर्फ 14 दिन के लिए है। सो यूज करो और अपने प्रॉफिट को एंजॉय करो ओलम ट्रेड। साले रहने दे यार, क्यों पंगे ले रहा है खामे खा? यार सोच के लग रहा है कि ऐसे लोग भी होते होंगे क्या जो इतना प्यार करते हैं, जो एक एक दिन गिन रहे हैं। अबे यार, होते होंगे, छोड़ ना यार, निकाल दे यार सिम। क्या तुमने मुझे सच में भुला दिया सैफ? आज से पूरे 66 दिन पहले हम मिले थे, तुमने मुझे हग किया। हो सकता है तुम्हारे लिए वो सिर्फ एक हग हो, लेकिन जब तुम्हारे गाल मेरे गाल से टकराए थे तब। छोड़ो, तुम्हें नहीं बता सकती कि तुम मेरे लिए क्या हो सैफ। आई लव यू। हो सकता है कि हमारी लड़ाइयाँ होने लगी थी इस वजह से तुम दूर होना चाहते हो, और अगर होना भी चाहते हो तो भी बता दो कि मन भर गया तुझसे। लेकिन ऐसे तो मुझे तुम्हारी और फिक्र होती है कि तुम ठीक हो। डर लगता है, पूरा दिन रोते हुए निकल जाता है मेरा। यार हेमंत, सच में कोई किसी से इतना प्यार कर सकता है? हाँ यार, आज तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा। मतलब अगर कोई मुझसे इतना प्यार करे ना, मैं अपनी पूरी जिंदगी लुटा दूँ उस लड़के को। बहुत बदकिस्मत है वो कैफ। सैफ? कौन सैफ? अबे उसके बंदे का नाम सैफ है, कैफ नहीं है। हाँ जो भी है। क्या सोच रहा है भाई? ओ भाई यार, उसकी तस्वीर बना रहा हूँ, उसकी तस्वीर बना रहा हूँ दिल में कि जो लड़की इतनी प्यारी बातें कर सकती है वो एक्चुअल में कैसी होगी। ओ भाई, कहाँ क्या? अबे नहीं यार हेमंत, तू खुद सोच। मतलब एक लड़की है जो एक एक दिन गिन रही है कि आज 65 डेज हो गया, 66 डेज हो गए। बस इतना बता दो कि तुम ठीक हो। मतलब अगर तुम बात भी नहीं करना चाहते तो बात मत करो, सिर्फ इतना बता दो कि तुम ठीक हो। सोच के देखो लड़की कितना प्यार करती होगी यार। आज के टाइम में ऐसी लड़कियां कहाँ होती हैं, और वो पागल पता नहीं कहाँ होगा। क्या पता उसे कुछ हो गया हो। हाँ हो सकता है सभी। अच्छा एक बात बता, अभी तक तो ये सोच रही है कि सैफ का नंबर बंद है, शायद वो बार बार कॉल करके थक भी गई हो। और जिस दिन उसका कॉल आ गया तो क्या उठा लूंगा? और जब वो बात करेगी फिर तो उसमें क्या है? मैं बात कर लूंगा ना सैफ मन की, बात कर लूंगा, उसमें क्या है? अबे साले एक बात बता, जो लड़की आज तक उसका टच नहीं भूली वो उसकी आवाज भूल गई होगी। इसलिए कह रहा हूँ इस सिम को बार बार ऑन मत कर, उसका फोन आ सकता है। ओए हेमंत यार, मैं सोच रहा हूँ कि ना एक फोन ले लूँ। क्यों भाई? यार तूने कहा था ना कि मतलब अगर सिम ज्यादा ऑन रहेगी तो फोन कर सकती है, तो मुझे उसकी आवाज सुननी है। यार भाई मैं तुझे उस सिम से दूर कर रहा हूँ और तू कह रहा आवाज़ सुननी है। अबे यार पता है कैसा लगता है? ऐसा लगता है कि ना कब घर जाऊँ, कब वो सिम ऑन करूँ और वो मैसेज करे। भाई वो सैफ को मैसेज करती है, तू आज़म है यार। लेकिन फिर भी भाई फ़ोन तो लेके चलेंगे। तू पागल हो गया है? आजा भाई, ग्रिल सैंडविच दे दियो। हाँ ठीक है, कर रहा हूँ। अच्छा सुन, वो ब्रेड कहाँ पे रखे हुए हैं? वो देख वहीं है।
अरे आ जा यार, कुछ नहीं होगा। अरे दोस्त भाई, कोई सेकंड हैंड फोन होगा? ले भाई 4000। 4000 का? ठीक है भाई, ले मैं पेमेंट कर देता हूँ। भाई देख, मैं कह रहा हूँ गलत कर रहा है यार। अबे चुप हो जा यार हेमंत, सोच ले एक बार और। अबे चुप हो जा भाई, काम कर, इसे पैक मत कर। ये ले, ये सिम डाल दे। ठीक है, थैंक यू, चल। वैसे सही है ना 4000 में? भाई देख गलत कर रहा है तू। अबे देख, मेरे बाबा ने ना मुझे हमेशा समझाया, जिस काम में दिल करे ना उसे करो, चाहे अंजाम कुछ भी हो। अबे आ जा। क्या हो गया, क्या सोच रहा है यार? आज 6 दिन हो गए हैं उसका कॉल ही नहीं आया। अच्छी बात है। अबे नहीं यार, तूने कहा था कि अगर फोन ज्यादा ऑन रहेगा तो कॉल आ सकता है। तो तू अब भी मैसेज करती है उसे? करती हूँ। और कॉल करने छोड़ दी? हाँ, उम्मीद टूट गई। बस दिल में ये आता है कि वो ठीक हो। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये पागलपंती मत कर यार। मुझे उसे देखना है भाई, मुझे बस उसे देखना है। लेकिन अगर उसे कुछ हो गया हो तो? ऐसा मत बोल। मैं उस लिए नहीं कह रहा, मुझे बस तेरी फिक्र होती है। नहीं देखा जाता यार तुझे ऐसे। हाँ साले, नहीं देखा जाएगा। जब पिछवाड़े पे लठ पड़ेंगे ना, तब बोलेगा सही बोल रहा था मैं। हाँ तो मेरे पड़ेंगे ना, तेरे तो नहीं पड़ेंगे ना, तू क्यों फिक्र कर रहा है? भाई पड़ी लकड़ी ली है, लगेंगे ना दोनों के लगेंगे। तो तू अब उसे कॉल नहीं करती? लगता ही नहीं है। कब से? पहले पहले लगता था, फिर बीच में अचानक से बंद हो गया, तब से आज तक लगा ही नहीं। अब करके देख। नहीं लगेगा सूरज कॉल, रहने दे। भाई यार मैं खुद उसकी कॉल का वेट कर रहा हूँ, बट अब ऐसा लगता है कि कुछ और ही करना पड़ेगा। हाँ अब इससे ज्यादा क्या करेगा, सिम के लिए नया फोन ले लिया है, बिना ये सोचे कि आगे क्या होगा। भाई इस नंबर से व्हाट्सएप बना लूं? अबे पागल वागल हो गया क्या यार? अबे नहीं यार, देख इस बहाने ना मैं इसकी आवाज भी सुन लूंगा, और हो सकता है कि मतलब मैं इसे देख भी पाऊं। तुझे जो करना है ना वो कर, इस लफड़े में अब मैं तेरे साथ नहीं हूं। अरे सुन तो यार हेमंत, मेरी बात सुन यार। नहीं सुननी तेरी बात, जा रहा हूँ अलग फ्लैट लेने, तेरे साथ रहना भी बेकार है। अरे मेरी बात तो सुन। डरता भाई। अबे यार भाई हाथ जोड़ रहा हूँ यार, फंस जाएंगे यार। कितना डरता है भाई तू। व्हाट्सएप तो बनेगा यार? भाई मत कर यार। भाई बनेगा व्हाट्सएप।
उठाना फोन, अब क्यों नहीं उठा रहा? अबे यार फोन तो उठा लूंगा लेकिन आवाज। तो मैं क्या फारसी में बोल रहा था? लेकिन अब फोन नहीं उठाएगा ना, उसके लिए बहुत तकलीफ की बात है। सर प्लीज फोन उठाओ। सेफ प्लीज फोन उठाओ। क्या हुआ कायनात? यार सेफ ने ना अभी व्हाट्सएप बनाया, मैं उसे ही कॉल कर रही हूँ, वो मेरी कॉल ही नहीं उठा रहा। क्या सेफ ने व्हाट्सएप ऑन किया है? रुको मैं ट्राई करता हूँ। ओ भाई किसी और के नंबर से फोन आ रहा है। भाई भाई साहब जो आपने उड़ता तीर लिया है ना, वो बहुत अंदर जाने वाला है। अबे लेकिन अभी तो बताएगा, अभी क्या करूं? सोचने दे यार। अच्छा एक काम कर, उसे बोल दे ऑफिस में हूँ, बाद में बात करूंगा। हाँ मैं ऑफिस में हूँ, शाम तक फ्री होऊंगा, शाम को बात करता हूँ। एक सेकंड, सैफ का मैसेज आया। संडे को उससे बात नहीं करनी तो मत करो, पर कम से कम इतना तो बता दो कि तुम ठीक तो हो, मुझसे नहीं रह जाता तुम्हारे बिना। आज संडे है क्या? हाँ और क्या। अबे तो जॉब का क्यों बोला, आज संडे है भाई। अबे यार एक काम कर, उसे बोल दे यार कुछ काम रह गया ऑफिस में, इसलिए आना पड़ गया। हाँ बोल बोल। वो एक्चुअली इस वीक ना थोड़ा ज़्यादा काम था तो बॉस ने बुला लिया, शाम तक फ्री होता हूँ फिर मैसेज करता हूँ। मैं वेट कर रही हूँ। तूने पता है क्या किया है? वो लड़की ना कैफ से बहुत प्यार करती है। साले सैफ। अरे हाँ यार जो भी नाम है उसका, उसके नाम के सिवा ना कुछ नहीं जानते हम। पर साले सिर्फ लड़के का नाम जानते हैं, लड़की का नाम क्या ये भी नहीं पता। अबे हाँ यार लड़की का भी नाम नहीं पता। तुझे पता है वो लड़की अपनी आस मार चुकी थी, लेकिन तूने वो दोबारा जिंदा कर दिया अपने झूठ के सहारे। अबे यार मैंने क्या किया है, वो उसे भूली कहाँ थी? भाई ये जो वक्त है ना बहुत अच्छी मरहम है, और वक्त ने ना उसके सारे घाव भर दिए थे, लेकिन तूने उसके घाव पे नमक छिड़क दिया यार। भाई क्या बोलता है, ये व्हाट्सएप बंद कर दूं? अबे मर जाएगी यार वो, सोचने दे क्या करना है। भाई बताएगा क्या सोच रहा है? भाई देख हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्या देख, जब हम किसी से ना बहुत ज्यादा प्यार करते हैं ना, तो सामने वाले बंदे को ना घुटन होने लगती है। क्या मतलब? मतलब ये वो जो भी बंदा है सैफ, जो भी उसका नाम है यार, उसको ना इसका ज्यादा प्यार ना हजम नहीं हुआ होगा, और इनके बीच में लड़ाइयां भी बहुत होने लगी होगी। मेरे हिसाब से इस वजह से उसने फोन में से सिम निकाल के फेंक दी। तू श्योर है यही हुआ होगा? अरे यार अंदाजा लगा रहा। अच्छा तो पहले मैं उससे बात करूं, पहले उससे ये पूछूं कि हमारे पहले का रिलेशन कैसे था, उसके बाद में बात करूं, है ना? तो भाई मैंने बोला था मैसेज कर, नहीं मैंने बोला था व्हाट्सएप ऑन कर। यार गरम क्यों हो रहा है, अभी बताएगा अभी क्या करूं? देख भाई
तू ना एक काम कर, अब जब भी उसका कोलिया मैसेज आएगा ना, तू ना थोड़े ना अटपटे से जवाब दियो, फिर पता लग जाएगा उनका रिलेशन कैसा था। और भाई आवाज का क्या करूं? कॉल कर लो, बिजी तो नहीं होगा? क्या करूं? एक काम करती हूँ, मैसेज कर लेती हूँ। अब कॉल कर लो। यार ये कॉल भी तो कर सकती थी डायरेक्ट। मतलब मैं सही था, इसे डर लग रहा है भाई, सैफ इसे छोड़ ना दे। तो अब? अब क्या, अब इसे बोल मैसेज में बात करे, फोन ना करे। लेकिन यार हेमंत, मुझे इसकी आवाज सुननी है यार। अबे भाई, एक दो दिन मैसेज में बात कर इससे और इसे बोल दियो कि मैं ठीक हूँ, मुझे भूल जाओ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। मतलब? अबे यार पागल है क्या यार? मतलब ये कि इसे समझा और सिम बंद कर दे। हेमंत यार, मेरा दिल बिल्कुल नहीं है सिम बंद करने का यार। मुझे ऐसा लगता है ये सिम मुझे मिलना, उसका मैसेज आना, ये सब ना कहीं पहले लिखा जा चुका है। ऐसा लगता है भगवान ना हमें दोनों को खुद मिला रहा है। भाई तू नाम तक नहीं जानता उसका और बात कर रहा भगवान ने मिलाया है। इस सिम को बंद कर दे। अब कॉल कर लो, बिजी तो नहीं हो? वो तुम्हारी आवाज सुननी है। मुझे भी हम सिर्फ मैसेज पे बात करेंगे, फोन पे नहीं। पर क्यों? मुझे तुम्हारी आवाज सुननी है। तुम फिर वही बात करने लगे ना, इसलिए मैंने सिम बंद कर दी थी। अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं कर रही वो बात। तुम ये बताओ, ठीक हो? हाँ ठीक हूँ मैं, तुम ठीक हो? अब अच्छी हूँ। क्यों करती हो इतना प्यार? पता नहीं। अच्छा एक बात बताओगे? भूल गए तुम अपनी कायनात को? नहीं भूला तो नहीं हूं, लेकिन भाई अपने बारे में पहले सोचना, अपने करियर के बारे में। फिर वही बात शुरू कर दी ना, इसलिए मैंने सिम बंद कर दी थी। अच्छा ठीक है, मैं नहीं कर रही वो बात। ठीक है चलो, बाद में बात करता हूँ, कुछ काम। ठीक है, अपना ध्यान रखना। हो गई बात। हाँ यार तू सही कह रहा था, वो जो भी था ना सैफ, वो सच में इस पर बहुत हावी रहा करता था। बहुत मासूम है यार ये तो। और कुछ पता लगा? इसका नाम कायनात। वाह बेटे, नाम कैसे पता लगा यार?
कुछ नहीं, खुद कह रही थी कि भूल गए अपनी कायनात को। चल ठीक है, अब एक काम कर, इसे बोल दे तुझे भूल जाए, मतलब सैफ को भूल जाए और इस सिम को तोड़ के फेंक दे। साले तू पागल है क्या, तू ये समझ नहीं आ रहा, दिख नहीं रहा क्या? एन दे कुछ नहीं। अरे भाई बात तो सुन यार। अरे नहीं सुननी यार। देख भाई आजम, ये जो दिल है ना, बहुत ही कुत्ती चीज है यार। तू उस बंदी का देखना, जो बंदा उसे छोड़ के चला गया वो उसके पीछे कितनी पागल है। वो जिस लड़की को तूने आज तक देखा भी नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले जिसका तूने नाम सुना है, तुझे उससे प्यार हो गया? नहीं यार हेमंत, प्यार नहीं हुआ, बस ऐसा लगता है कि यार मैं उसकी आवाज़ सुनूँ, उससे बात करूँ बस। अबे साले इसी को प्यार बोलते हैं। देख भाई, जो मैं अभी तक समझ नहीं रहा था या शायद जानबूझ के अपने आप को समझाना नहीं चाह रहा था, वो बस ये है कि जो बंदी अभी तक फोन पे थी, तुझे उससे प्यार हो गया है। यार नहीं हुआ प्यार, बस ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो हमारे अंदर कनेक्शन है। और रही बात उसकी, तो यार उसकी भी तो लाइफ है ना मेरे भाई, वो कभी ना कभी तो आगे बढ़ेगी, वो बंदा उसे छोड़ के जा चुका है। अच्छा मेरी बात सुन, कल को जब उसे पता लगेगा कि वो सैफ से नहीं आजम से बात कर रही है, तो उसे ये नहीं लगेगा कि तूने उसके सैफ को कुछ कर दिया होगा? देख यार हेमंत, तू मुझे अच्छी तरीके से जानता है कि मैं आज में जीने वाला इंसान हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कल क्या होगा। बट वही बात मैं फिर बोलूँगा कि उसकी भी तो लाइफ है ना यार, कभी ना कभी तो उसे आगे बढ़ना पड़ेगा ना मेरे भाई। देख भाई, मैं तो तेरा दोस्त हूँ, तेरे लिए हर जगह खड़ा हूँ, हर पॉइंट पर खड़ा हूँ, पर अगर बात सही और गलत की है ना, तो एक बात याद रखियो मेरे दोस्त, उसकी नज़रों में ना तू गलत होगा, बहुत गलत होगा, क्योंकि जो चीज़ तूने आज तक की नहीं है उसके इल्जाम तेरे सर पे आएंगे। सारी दुनिया का छोड़, तू तो खड़ा रहेगा ना मेरे साथ? अबे साले पूछने की बात है ये, कोई शक? कभी नहीं। चल एक काम करते हैं, घर चल, लेट हो गया, रात देख कितनी हो गई है। पूछ काली बदला तो सीने विच अग लगी, लंग गया कई बरसाता। पूछ काले बदला तो सीने विच अग लगी, लंग गया कई बरसाता। तुर गयो सजना अभी भी मुझे अपनी आवाज़ नहीं सुना सकते? कब से बोल रही हूँ मैं? क्या यार, हम ऐसे बात नहीं कर सकते क्या? फिर भी तुम्हारा मन नहीं करता कि हम फोन पे बात करें? क्या हुआ, किस सोच में पड़ गए? कुछ भी नहीं सैफ, प्लीज मुझे तुम्हारी आवाज सुननी है, बहुत टाइम हो गया तुम्हारी आवाज सुने हुए। ठीक है, शाम को कॉल पे बात। पक्का? हाँ पक्का। मेरी कसम? तुम्हारी कसम। ठीक है, मैं वेट करूंगी शाम का।
आज कितने टाइम बाद तुम्हारी आवाज सुनूंगी। क्या हुआ, मुंबई 12 के बजे हुए? कुछ नहीं यार, वो बात करने के लिए बोल रही है। हाँ तो कर तो रहा है बात, और किससे करेगा? अबे नहीं यार, फोन पे। अबे नहीं नहीं, पहचान जाएगी यार वो। लेकिन मैंने हाँ बोल दिया। क्या? अबे हाँ यार, काफी टाइम से बोल रही थी कि बात करनी है बात करनी है, तो मैंने हाँ बोल दिया। तेरा दिमाग खराब है, अब वो पहचान गई तो? यार क्या करूं, काफी टाइम से बोल रही है, कब तक मना करूंगा, तो क्या करूं बता। तो क्या, बात खत्म करनी है ना? ठीक है, कर ले बात, कोई दिक्कत नहीं भाई। यार हेमंत एक बात बताना यार, आखिर कभी ना कभी टाइम तो ये फेस करना पड़ेगा ना, तो मैं खुद उसकी आवाज सुनना चाहता हूँ, मैं खुद ये टाइम फेस करना चाहता हूँ, तो आज ही क्यों नहीं? भाई यार तू पागल है यार भाई। भाई हेमंत कुछ करना यार, बता ना भाई, कुछ करना यार, कुछ सोच भाई, सोच भाई। यार हेमंत ये यूट्यूब खोल के क्यों बैठ गया यार? अबे यार रुक जाएगा एक मिनट, आवाज बदल के फोन पे कैसे बात करें? ऐसा भी होता है? अबे क्या हुआ? अरे पूरे फोन पे नहीं, माइक पे लगा खाली। आप सही है, ओनर है भाई, लेकिन उठाऊं कैसे? अब उठाएगा कैसे? अबे हाँ, ये फोन तो कट गया। देख भाई, फोन आया, पहले फोन उठा, उसके बाद रुमाल लपेट और स्पीकर पे डालियो। भाई ये काम तो करेगा ना? ये तो कसम खाने से पहले सोचना था। हेलो, कौन बोल रहा है? भाई यार इसे सच में पता लग गया क्या? कहा था ना तुझसे, पर नहीं, तुझे तो आवाज सुननी थी, सुन ले अब। यार हेमंत सुनाने का टाइम नहीं, ये बता भी क्या करूं? अब कुछ नहीं हो सकता भाई, मेरे को लग रहा है इसे पता लग गया तू सैफ नहीं है। एक हेलो से? एक हेलो से नहीं भाई, उसके प्यार से, उसने प्यार ही ऐसा किया है। अगर तू हेलो भी नहीं बोलता ना, अगर सासों की आवाज भी वहां चली जाती तब भी वो तुझे पहचान लेती। भाई यार लेकिन, भाई लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, उसे सच बता दे सारी चीज, क्या पता तकलीफ कम हो, क्योंकि सच ना भाई हर दुख का मरहम होता है। यार तू अपनी जगह ठीक है हेमंत, लेकिन यार मैं भी नहीं चाहता है मुझसे दूर हो, मैं इससे बात करना नहीं छोड़ सकता यार। हेलो, कौन बोल रहा है? क्या हुआ तुम्हें? सैफ? हाँ कहा ना, सैफ बोल रहा हूँ, इतनी जल्दी आवाज भूल गए? नहीं वो तुम्हारी आवाज कुछ बदली बदली लग रही है। यार मुझे तो लगा था कि जो लड़की आज तक मेरा हक नहीं भूल पाई वो मेरी आवाज भी नहीं भूल पाई होगी, लेकिन शायद मैं गलत था।
नहीं नहीं सच में तुम्हारी आवाज कुछ अलग लग रही है। सैफ ही हूँ। ठीक है। अच्छा चलो सुन लिया आवाज, अब रख दूँ फोन। हाँ ओके। चलो ठीक है तुम घर चली जाओ, बाद में बात करते हैं। अच्छा सुनो, I love you. I love you too. यार अभी भी मान जा यार। यार कुछ हुआ क्या? बात संभाल लेना मेले। तू इतना सेल्फिश होगा सोचा नहीं था। मतलब खाली तू बस अपने बारे में सोच रहा है, उस लड़की के बारे में नहीं सोच रहा। मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ, कैसे? यार सोच के देख, कल को उसे जब तू दिखेगा उस पे क्या बीतेगी। भाई मैं ना उससे मिलने ही नहीं वाला। हाँ यार फिर तो तू और भी गलत कर रहा है उसके साथ। तू पागल हो गया क्या हेमंत? यार देख तू कभी उससे जिंदगी में मिलेगा नहीं, और वो पूरी जिंदगी में इसी उम्मीद में रहेगी कि मेरा सैफ आएगा और मुझसे मिलेगा। यार हेमंत मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, तू बस इतना चाहता है कि मैं उसे कॉल ना करूँ, उसकी कॉल ना आए, मेरा उसे पीछा छूट जाए किसी तरह बस। अरे नहीं यार आजम भाई, फिक्र मुझे भी है, मुझे फिक्र है कि वो ठीक है, पर उससे पहले तू मेरा दोस्त है और यार मैं तुझे किसी लफड़े में नहीं देख सकता। यार देख मैंने बात संभाली है ना, तो आगे भी संभाल लूंगा, तो टेंशन मत ले। और वैसे भी तुझे पता है प्यार में ना सब जायज है। ये तुझसे अच्छा कौन जान सकता है भाई? अगर इतना जानता है तो बस इस बात को यही खत्म कर दे, बात संभालिए आगे भी संभाल लूंगा। चला खाना खाते। जाने क्या कर गए, जैसे अंधेरों में तुम चांदनी भर गए। दिल का ये क्या राज है, जाने क्या कर गए, जैसे अंधेरों में तुम चांदनी भर गए। कर चांद तारों मशहूर इतना क्यों, कम वक्त इनसे भी खूबसूरत है तू। I love you, I love you, I love you, I love you। ठीक है मैं ना काम पे हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ। ओके और बढ़िया चल रहा है सब? हाँ भाई एकदम बढ़िया। तो कितना प्यार हो गया? बहुत। सच में? और कैसा ले झूठ में। चल बढ़िया है, कब मिल रहे हो फिर? यार बोलती तो है मिलने के लिए, लेकिन क्या यार अब बात करने का तरीका आ गया है बस सब कुछ। तो जिंदगी भर ऐसे फोन पे बात करेगा क्या? हाँ अगर वो करेगी तो कर लूंगा जिंदगी भर फोन पे बात। और शादी? तू ना एक काम करियो, इंस्टाग्राम पे शादी कर ले, फेसबुक पे बच्चे, और यूट्यूब पे तो हनीमून मना ही लेगा। अबे क्यों दिमाग खराब कर रहा है यार? अबे दिमाग खराब नहीं कर रहा हूँ, आंखें खोल रहा हूँ तेरी, कितना गलत कर रहा है तू। तब की ना तब देखेंगे। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन पूछू, बस एक लास्ट। वीडियो कॉल के लिए नहीं बोलती हूँ? बोलती है लेकिन मैंने मना कर रखा कि वीडियो कॉल नहीं करूँगा। और वो मान गई? गुस्से में बोला था भाई। सही है भाई, देख के करियो जो भी करे। हाँ ना मैं देख लूँगा, तू ये कर जल्दी, वो ऑर्डर मांग रहा है, कर जल्दी। अच्छा तुम आ जाओ ना मुझसे मिलने। कहाँ? कहाँ मतलब? कहाँ मिलने आ जाऊँ और क्यों मिलने आ जाऊँ, काम नहीं होता मुझे। अच्छा एक बात बताओ साहब, जब लास्ट टाइम तुम मुझसे मिले थे तो तुम्हें कैसा लगा था? अच्छा लगा था, तभी तो अभी तक बात कर रहा हूँ।
तो फिर से आ जाओ ना मिलने। तुम्हारा दिल नहीं करता क्या मुझसे मिलने का? कायनात फिर वही बात, याद है ना लास्ट टाइम मिले थे उसके कितने टाइम तक हमारी बात नहीं हुई थी, फिर से वही चाहती हो क्या? नहीं नहीं ठीक है, मैं नहीं बोलूंगी। कायनात इट्स ओके आई एम सॉरी यार, मैं खुद तुझे परेशान नहीं करना चाहता, मैं खुद तुझसे मिलना चाहता हूँ, बट काम होते हैं। आई लव यू टू, बट मैं आपसे नहीं बोलूंगी। अरे आ गया भाई, इससे मिल, ये मेरे मामा का लड़का मोटो, और मोटो ये आजम। साला देख भी ऐसे रहा मोटो। एक्सक्यूज मी, क्या बोला आपने, क्या बोला, कुछ सुनाई दिया मुझे, मोटो क्या? अरे कुछ नहीं यार, मुंह से निकल गया। नहीं 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 बोलो ना, बोलो बोलो। अरे भाई बोलो ना यार, मुंह से निकल गया। आजम बाहर आई हूँ एक बार, चल तू बैठ, अभी आया हूँ। क्या हो गया बताएगा? कुछ नहीं यार। अबे बोल ना यार। यार वो ना बार बार मिलने के लिए बोल रही है और मैंने उसे डांट दिया। तो यही तो समझा रहा था इतने दिनों से, वो तो बोलेगी यार मिलने के लिए। यार बात वो नहीं है यार, बात तो मैं संभाल लेता हूँ, लेकिन उसे डांट के ना बहुत बुरा लगता है। भाई यार सच बताऊँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा तू चाहता क्या है। मुझे भी समझ नहीं आ रहा भाई, इस घर में कितने रॉन्ग नंबर आते हैं। तेरे पास भी आ गए? अरे नहीं नहीं, वो तो इस आजम का फोन पे फोन आ रहा था, मैंने कॉल उठाया तो कोई लड़की बात कर रही थी, बोल रही थी सैफ से बात करा दो, सैफ से बात करा दो, मैंने रॉन्ग नंबर बोल के फोन काट दिया, फिर भी फोन पे फोन करे जा रही है। ओ फक, हट साले। क्या बोलूं क्या बोलूं क्या बोलूं, और क्या बोला था तुमने? अरे बार बार बोले जा रही थी सैफ से बात कराओ, सैफ से बात कराओ, मैंने भी बोल दिया यहाँ पे हेमंत आजम और मैं रहता हूँ। फिर उन्होंने बोला आप कौन, मैंने भी बोल दिया मैं मोटू द ग्रेट, फिर उसके बाद नेटवर्क चले गए, आवाज कट गई उसकी। थैंक गॉड। हेलो कौन? सैफ बात कर रहा हूँ, कौन क्या? पहले कौन था? अभी कौन? कौन मतलब, मैं भी बहुत देर से तुम्हें कॉल कर रही थी, तो किसी ने उठाया और बोला कि यहाँ कोई सैफ नहीं है। किसने उठाया? अरे वो मैं। पता नहीं किसी ने उठाया था और बोला कि यहाँ सैफ नहीं है, यहाँ कॉल मत करो। अच्छा तभी? क्या तभी? हाँ वो जब मतलब जब तुम्हारा कॉल आया ना, तो मैंने जब कॉल पिक किया तो वहाँ से भी कोई लड़का बोल रहा था। अच्छा हो सकता है लाइन मिक्स हो गई हो। हाँ कोई नहीं। अच्छा वैसे तुम्हें ना एक बात बतानी है, प्लीज़ गुस्सा मत करना। हाँ बोलो। मैं दिल्ली आ रही हूँ। कब? 14 अक्टूबर। क्यों? वो दोस्त की शादी है ना, तो बस वहीं आना है। अच्छा तो तुम मिलोगे, और वहाँ तो तुम्हें कोई काम की दिक्कत भी नहीं होगी। वो मुझे क्या, वो ना मुझे ना 10 दिन के लिए ना आउट ऑफ दिल्ली निकलना है। कब? 10 अक्टूबर को, 10 दिन के लिए। यार हो सके तो मत जाओ ना। नहीं 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 हो पाएगा, वो एक्चुअली ना बॉस ने बहुत टाइम पहले से बोल दिया था, तुम मुझे पहले बताती
तो मैं कुछ मतलब कर लेता, बट अब नहीं हो पाएगा। 5 दिन के लिए बहुत मुश्किल से मनाया था मम्मी को, सोचा था कि तुम मिल जाओगे, बट कोई नहीं, लगता है किस्मत में नहीं है मिलना अभी। तुम ध्यान रखना। हाँ तुम भी ध्यान रखो। लगता है ऊपर वाला इम्तिहान ले रहा है अभी। चलो कोई नहीं, मैं बाद में बात करता। क्या हुआ? अबे साले जान से मर जाता मैं। बुआ जी को कॉल करके बोलूंगा, भाई मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। अरे ऐसा नहीं है भाई। क्या हो गया भाई? पहले तू मुझे एक बात बता, इस चिरांत को कहां से पकड़ के लेके आया है? अबे यार उसकी छोड़ ना, हुआ क्या ये बता। यार वो दिल्ली आ रही है। तुझसे मिलने? मुझसे मिलने नहीं, उसकी फ्रेंड या पता नहीं क्या, कजन की शादी है तो मुझसे तो मिलेगी ना ऑब्वियसली। अब क्या, मैंने बोल दिया कि मैं आउट ऑफ दिल्ली जा रहा हूँ, मैं नहीं मिल सकता। अबे यार कब तक करेगा ऐसे, उसकी भी लाइफ खराब और अपनी भी। यार अब उसे सच भी तो नहीं बता सकता ना यार। तो यही तो समझा रहा था भाई इतने दिनों से, ये जितने भी दिन गुजरेंगे ना उतनी तकलीफ होगी। अरे अहमद भाई, तुम्हारे फोन पे भी अननोन नंबर से कॉल आ रहा है, बोलो तो उठा लूं। मैं दिल्ली में हूँ। यार मैं चंडीगढ़ हूँ, अगर तुम पहले बताती तो बॉस से ऑफ ले लेता, बट यार अब तो नहीं। कोई बात नहीं। अच्छा किसके साथ आई, पापा के साथ? क्या आई मीन किसके साथ आई हो, पापा के साथ आई हो? सैफ तुम जानते हो कि मेरे पापा नहीं है, तुम ना सच में बदल गए हो। अरे मैं ना मम्मी बोल रहा था, मुंह से ना पापा निकल गया। मम्मी के साथ आई हो? नहीं वो सूरज आया है। कौन सूरज? सूरज मेरा फ्रेंड। अच्छा अच्छा वो सूरज। अच्छा वैसे तुम सच में 17 तक वापस नहीं आ पाओगे? नहीं आ पाऊंगा यार, मुश्किल है। चलो ठीक है, वादा करो कि टाइम मिलते ही मुझसे मिलने आओगे। हाँ पक्का वादा। अच्छा तुम हो कहाँ? ये पता नहीं, सूरज को कुछ लेना है तो हम मॉल ही जा रहे हैं। कौन सा मॉल? मुझे नहीं पता कौन सा मॉल। चलो ठीक है तुम जाओ, मैं भी कुछ काम कर लेता हूँ। ओके चले गए ना? हाँ चल। और आजम भाई क्या कर रहे हो? क्या हुआ? कुछ नहीं यार, वो दिल्ली आई हुई है और किस्मत देख कि मैं उससे मिल तक नहीं सकता। अब क्या बोलूँ भाई तुझे, पहले ही समझाया था पर अब देर हो गई है, फायदा नहीं है कुछ भी। लेकिन फिर भी यार सोच, वो दिल्ली में है, मैं उसे मिल सकता हूँ लेकिन कैसे? चल मूड ऑफ मत कर, एक टाइम आएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो तो ना वो टाइम दे के उसे सब कुछ बता दियो। चला खड़ा हो, मॉल चल रहे हैं। वो भी मॉल गई है, ऐसा ना हो कहीं मिल जाए। अबे दिल्ली में एक मॉल थोड़ी है भाई, चल मोटो। अब भाई एक बात पूछनी थी, उसका नाम ज़्यादा अजीब नहीं है वो? चल उठो और प्यार से चल। सूरज, सूरज, सूरज। भैया मेरे साथ जो लड़का आया था आपने उसे देखा? वो तो मैंने आपके साथ ही बाहर डाल दिए थे। अच्छा ऐसी रात है जो बहुत खुश नसीब है, चाहे जिसे दूर से दुनिया वो मेरे करीब है। हाय। व्हाट? आई मीन आई एम सो सॉरी। इट्स ओके, गलती मेरी भी थी, आई एम रियली सॉरी। भाई भाई
ये कायनात थी ना, तूने फोटो दिखाई थी इसकी। मतलब हिम्मत, मतलब दुनिया इतनी भी बड़ी नहीं है। तो रुक, अरे हेमंत, मैंने आजम की वो को देखा इस मॉल में। तू उसे कैसे जानता है? अरे वो उस दिन बाथरूम में गया था ना नहाने के लिए, तो मैंने उसके फोन में उसकी डीपी देखी। ग्रीन कलर की ड्रेस, गले में नेकलेस और यहाँ पे लाल कलर की चिमटी लगा रखी थी और आंखें उसकी ब्राउन ब्राउन सी और चप्पल, अरे चप्पल कोई सी भी पहनी हो लेकिन भाई माल लग रही थी, माल। तो इस नज़र से देखता उसको? अरे भाई तुम रोज रोज बात करते रहते थे, वो तो मुझसे रानी गया तो मैंने देख लिया एक बार। लेकिन भाई वो इसी मॉल में। आई ऐसी रात है जो बहुत खुश नसीब है, चाहे जिसे दूर से दुनिया ये कहाँ गई? देखो मैं ना उस दिन तुमसे गलती से टकरा गई थी और उसके लिए आई एम सॉरी, बट तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? नहीं मैडम, मैं आपका पीछा नहीं कर रहा, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो। मैडम जो आपका चेहरा है ना, वो मुझे आपकी तरफ खींच रहा है, आप मुझे बहुत मासूम लग रहे हो। मासूम? ये आप मुझे सही से जानते भी नहीं हो। बट मैं आपको जानना चाहता हूँ। देखो मैं किसी से बहुत प्यार करती हूँ, उसका नाम सैफ है और हम दोनों ना एक दूसरे को 2 साल से बहुत प्यार करते हैं। वही लड़का जो आपके साथ घूमता है, बट लगता तो नहीं है। वो सैफ नहीं है, वो मेरा दोस्त है सूरज। फिर वो बंदा कहाँ है? वो तो आपके साथ में नहीं दिख रहा। वो आउट ऑफ दिल्ली जा रखे हैं, मैं दिल्ली आई और उन्हें किसी काम से बाहर जाना पड़ा। क्या मतलब आप दिल्ली से नहीं हो? नहीं। फिर ये कैसा प्यार है मैडम? मतलब आप दिल्ली आई और वो दिल्ली से बाहर चला गया, मैं नहीं मानता ये प्यार है। मुझे ना अपना प्यार प्रूफ करने की ना कोई ज़रूरत नहीं है, हम जानते हैं कि हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। पता है मैडम, मैंने भी ना बहुत सारे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप देखे हैं, बहुत सारे, जिसमें ना लड़का लड़की आपस में मिलने के लिए तरसते हैं, बहाने ढूंढते हैं, लेकिन ये कैसा प्यार है कि मतलब आप दिल्ली आई और भी दिल्ली से बाहर चला गया? मैंने भी मानता मैडम ये प्यार है, कोई आपके साथ ना बहुत गंदा मजाक कर रहा है। मेरा सैफ ना ऐसा नहीं है, समझे? क्या वो कहना? कुछ नहीं, चल। Thank you.
क्या हो गया भाई, आज ही बस देख के आ रहा है या कुछ बोला भी? नहीं नहीं भाई, मिल के आ रहा है, पांच उंगलियां चबी हुई है। क्या हो गया भाई? भाई वो सैफ से ना बहुत प्यार करती है। आप समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है, मैं जा रहा हूँ उससे मिलने। कहाँ जा रहा है? उसके गांव। पागल वागल हो गया है क्या? हेमंत, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ और उसे सब सच बता दूँ। मैं जा रहा हूँ उससे। हेमंत भाई, मैं जा रहा हूँ उसे सब सच बताने। भाई यार, अभी भी कह रहा हूँ रहने दे। भाई यार, मुझे ना उसे सब सच बताना ही होगा। मेरे दिल से एक आवाज़ आ रही है कि आज़म, नहीं बता दे उसे सब सच। अरे भाई, गाली खानी है तो यही फ़ोन पे खा लो ना, वहाँ जाके थप्पड़ और गाली दोनों साथ में मिलेगी, अच्छा थोड़ी ना लगेगा। और जब से बोल रहा था तब तुझे समझ नहीं आई, अब तुझे उसके मुँह पर जाके कहनी सारी बातें। हेमंत, मैं चाहूँ ना तो एक मिनट में फ़ोन बंद कर लूँ और ये सारा सीन ना एक बार में ख़त्म कर दूँ। तो कर देना भाई, उससे अच्छा तो यही है। अबे नहीं यार, मैं चाहता हूँ मैं उसे सब सच बताऊँ, लेकिन उसकी आंखों में आंखें डाल के। अरे आजम भाई, क्यों उड़ता हुआ तीर ले रहे हो? तुम वहाँ पे गए और जिंदा वापस नहीं आए, तो तुम्हारे हाथ के तो अभी तक मोमोस भी नहीं खाए मैंने। सही कह रहा है वो, और तू जाएगा ना तो हम भी जाएंगे। क्या? अबे हम क्यों जाएंगे? अरे यार, कोई कहीं नहीं जा रहा। देखो, मैंने रायता फैलाया ना, तो मैं ही साफ करूंगा। ठीक है, जा तू, मैं अंकल के पास अभी फोन कर रहा हूँ। अरे यार, पागल है क्या हेमंत? तू भी ऐसी बात कर रहा है? तुझे पता मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, और तू ये चाहता है मैं उससे पीछा छुड़ा लूँ बिना उसकी शक्ल देखे? हेलो, तुम कब तक आओगे दिल्ली? बताया था कि 20 तारीख तक आऊंगा। अच्छा, वो मैं घर जा रही हूँ आज ही वापस। क्यों, क्या हुआ? बस ऐसे ही। अपसेट लग रही हो, कुछ बात हुई है क्या? प्लीज सैफ, तुम चलते आ जाओ। सब मुझसे बहुत बोलते हैं कि तुम मेरे साथ बहुत गंदा मजाक कर रहे हो, तुम कोई प्यार व्यार नहीं करते मुझसे। क्या हुआ, किसने क्या बोला? सूरज ने कुछ बोला? नहीं, सूरज तो अच्छे से जानता है कि तुम क्या हो मेरे लिए। फिर क्या हुआ? देखो, मैं ना उस दिन तुमसे गलती से टकरा गई थी। मैडम, जो आपका चेहरा है ना, वो मुझे आपकी तरफ खींच रहा है। आप मुझे बहुत मासूम लग रहे हो। देखो, मैं किसी से बहुत प्यार करती हूँ, उसका नाम सैफ है, और हम दोनों ना एक दूसरे को 2 साल से बहुत प्यार करते हैं। पता है मैडम, मैंने भी ना बहुत सारे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप देखे हैं, बहुत सारे, जिसमें ना लड़का लड़की आपस में मिलने के लिए तरसते हैं, बहाने ढूंढते हैं। लेकिन ये कैसा प्यार है कि मतलब आप दिल्ली आई और मैं दिल्ली से बाहर चला गया? मैंने मैं तो मैडम, ये प्यार है? कोई आपके साथ ना बहुत गंदा मजाक कर रहा है। मेरा सैफ ना ऐसा नहीं है। तुम प्लीज जल्दी आ जाओ मुझसे मिलने। ठीक है, मैं दिल्ली आता हूँ और दिल्ली आती तुम्हारे पास आऊंगा। ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ। हाँ, मुझे भी तुमसे मिलना है। ओके, ध्यान रखना अपना। अबे मना किया था ना कि फेंक दे ये सिम, अब देख कहाँ खड़ा है तू। तू एक ऐसी लड़की से प्यार करता है जो किसी और से करती है, और तू उस लड़के का नाटक कर रहा है। अबे तो क्या करूँ, निकाल के फेंक दूँ इस दिल से? अबे लाया ही क्यों? भाई पता नहीं चला, मुझे नहीं पता चला कब इस फोन से निकल के ना दिल में उतर गई। तुझे पता है तू वहाँ जाएगा तेरे साथ क्या हो सकता है? हाँ, मैंने सोचा है ना, पहले इसका प्यार का भूत उतारेंगे, फिर इसे मार के फेंक देंगे। अबे उसे घूरना बंद कर,
तू क्या सोच रहा है? तू वहां जाके सच बताएगा, तेरा ये भोलापन देख के तुझे माफ कर देगी और खुशी खुशी फूलों की माला तेरे गले में पहनाएगी। अबे जब उसे पता लगेगा ना कि फोन पे सैफ नहीं तू बात कर रहा था, तो सबसे पहला सवाल तेरे पे खड़ा होगा कि तूने उसके सैफ के साथ कुछ कर दिया हो। तो भाई तू बता ना, तू बता दे क्या करूं। मेरी मान लेगा तो तोड़ दे ये फोन। नहीं तोड़ता और जा रहा हूं मैं, हट बे। अरे आजम भाई कहां जा रहे हो, लड़की को तो अपने घर पहुंचने दो। बताओ लड़की पहले पहुंची नहीं, ये पहले निकल गए। अबे तू थोड़ा सा बहन छोड़ यार, तेरे को गाली भी क्या दूं मैं। अबे किसी को बता मत दियो हम पीरे थे, कहीं घर जाके मामा को बोलते। कौन मामा? अबे तेरा बाप। अच्छा। अरे भाई तू टेंशन मत ले, किसी को पता नहीं चलेगा। अच्छा वैसे ये आजम कहाँ गया? अबे उसका ऐसा ही है, जब मूड खराब होता घर से ही भागता है, आ जाएगा थोड़ी देर में। अरे आजम भाई आ गए। मुझे लगा लड़की के घर पहुंचने से पहले तुम ही पहुंच जाओगे। क्या हुआ भाई? कुछ नहीं, वो घर पहुंच गई है बस, और कुछ नहीं। देख भाई मेरी बात सुन। अरे यार हेमंत बात को समझना यार, तू यार मेरे को सबसे अच्छी तरीके समझता है, अगर तू ऐसा करेगा तो कैसे चलेगा? अच्छा ठीक है ये बता कब चलना है? भाई कब नहीं चलना यार, मैं खुद जाऊंगा अकेला, तू नहीं जाएगा। मतलब कब जाएगा? दो तीन दिन में निकलना है। अच्छा सुन, मैं ये कह रहा हूँ कि यार वहां पे जाना अकेले सेफ नहीं है, तो क्या मैं मोटो को ले जाऊं? भाई मैं नहीं जाऊंगा किसी के साथ भी। कब आओ मिलने? है? हाँ बताओ कब आओ मिलने? सच में आ रहे हो तुम? हाँ दो दिन बाद। ठीक है। अरे अरे क्या हुआ, कहाँ चली गई थी? सॉरी सॉरी मैं ना वो भूल गई थी कि तुम फोन पर हो। अच्छा बताओ कहाँ है? वहीं आ जाओ जो हम लास्ट मिले थे। कहाँ? कहाँ मतलब? वहाँ नहीं ना, मतलब कहीं और मिलते हैं, वहाँ पे नहीं मिलेंगे। अच्छा ठीक है तो फिर तुम यहीं आ जाओ। यहीं कहाँ? यहीं। मैं सच में पागल हो चुकी हूँ। एक काम करो तुम ना जहाँ हम लास्ट मिले थे ना वहीं आ जाना और मुझे कॉल कर देना, तो मैं तुम्हें बता दूंगी। अरे नहीं नहीं मतलब मैं वहाँ नहीं आऊँगा, मैं ना गाड़ी लेके आऊँगा, तो मुझे लोकेशन बता दो, सीधा लोकेशन सेंड कर दो, मैं वहीं पहुँच जाऊँगा। अच्छा ठीक है। ठीक है चलो अब तुम घर जाओ, दो दिन बाद मिलते हैं, और खुशी से पागल मत हो जाना। हाँ ठीक है, पता नहीं ये दो दिन कैसे जाएंगे। ठीक है बाबा घर जाओ। सुन कोई दिक्कत हो ना निकल लियो वहां से, और सबसे पहले मेरे पास फोन करियो। हाँ हाँ ठीक है, टेंशन मत ले। चलो उसका कॉल आ रहा है, मैं बाद में बात करता हूँ। हेलो। हाँ
सॉरी सॉरी, वो ना मम्मी गेट पर ही थी तो आने में थोड़ा लेट होगी। बस 5 मिनट और ना। हाँ कोई नहीं, आ जाओ आराम से आ जाओ। हाँ बस 5 मिनट। कायनात, देखो दूर रहो मुझसे। मुझे ना सब पता है कि तुम शहरी लड़के ना कहीं तक भी पीछा कर सकते हो। कायनात प्लीज मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम प्लीज दूर रहो मुझसे। मेरी बात तो सुनो कायनात। मैंने कहा ना मुझे नहीं सुनना। और एक मिनट, अच्छी बात है, तुम उस दिन मुझसे बोल रहे थे ना कि वो मेरा पागल बना रहा है, वो मुझसे प्यार नहीं करता। तो तुम ना एक मिनट यहीं रुको, तुम आज सैफ से मिलकर ही जाना। हाँ रुको, सैफ, सैफ कहाँ हो तुम? सैफ प्लीज बाहर आ जाओ। कायनात वो नहीं आएगा। क्या क्या मतलब तुम्हारा? सोचो कायनात कि मैं तुम्हारा नाम कैसे जानता। हाँ नहीं लेकिन ये सब छोड़ो, तुमने अभी ये क्यों कहा कि वो यहाँ नहीं आएगा? तुमने कुछ किया है क्या? देखो मैंने उस दिन तुम्हारे थप्पड़ मार दिया था, उसके लिए आई एम सॉरी, पर तुम उसका बदला लेने के लिए तुमने सैफ के साथ तो कुछ नहीं किया ना, वो भी यही था। कायनात कायनात मैंने कुछ नहीं किया, वो एक्चुअली कायनात क्या हुआ? कायनात कुछ नहीं, मेरी अभी सैफ से बात हुई, वो बोल रहा था कि वो यही है और अब ये बोल रहा है कि वो नहीं आएगा। सूरज इसने मेरे साहब को कुछ कर दिया है, इसने मेरे साहब को कुछ कर दिया है। भाई मेरी बात सुन। सुन, उस दिन मैंने तुझे इसलिए छोड़ दिया था, मुझे लगा तू उससे गलती हुई होगी, गलत फहमी होगी, लेकिन तू उसका पीछा करते हुए यहाँ तक चला आया। भाई मेरी बात तो सुन। आज मैं तुझे बताता हूँ लड़की का पीछा कैसे किया जाता है। अरे भाई मेरी बात तो सुन। अरे तू साइड में। बोल साले क्यों आए यहाँ पे? भाई मेरी बात सुन, मैं वही बोल रहा हूँ, मेरी बात सुन। सच सच बता, तूने उसके साथ क्या किया है? भाई बोल, बोल सर। भाई मैं वही बोल रहा हूँ, सैफ और कोई नहीं, मैं ही हूँ। क्या? हाँ मैं ही सैफ हूँ। सैफ को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, प्यार करता था मैं कायनात से, लेकिन जब मुझे पता चला कि वो सैफ से प्यार करती है तो मैं पीछे हट गया, क्योंकि इसी में उसकी खुशी है। और सैफ को मैं पर्सनली जानता हूँ, और तू कह रहा कि तू सैफ है? भाई मेरे कहने का मतलब है जो अब कायनात से बात कर रहा है ना, वो सैफ मैं ही हूँ। मतलब? मतलब ये कि मेरा नाम आज़म है, और एक दिन Thank you.
और अब जब उसे नहीं रहा गया तो मैं आ गया उसे सब सच बताने, लेकिन अब उसका फेस देख के नहीं बता पाऊंगा। तो भाई प्लीज आप ही उसे बता देना, मैं जा रहा हूँ। सुन, ये जो रायता तूने फैलाया ना, इसे साफ भी तू ही करेगा। क्या मतलब? मतलब ये जो तूने मुझसे कहा है वो तुझे कायनात के सामने भी बोलना पड़ेगा। नहीं भाई, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उसे सच बता पाऊँ। देख मेरे दोस्त, तू सोच भी नहीं सकता तूने क्या किया है। अब जो उसकी हालत होगी ना, उसे कोई नहीं संभाल पाएगा, लेकिन उसे सच तो बताना पड़ेगा ना। सूरज ये झूठ बोल रहा है, इसी ने मेरे साहब के साथ कुछ करा है। वो भी थोड़े से पहले से यही था, ऐसा नहीं हो सकता, इसी ने पक्का कुछ करा है। बिलीव मी, वो मैं ही था। चुप, एकदम चुप। मुझे पता है तू उसे वाला थप्पड़ का मुझसे बदला ले रहा है ना। देख अगर ऐसा है ना तो प्लीज मुझे माफ कर दे, पर प्लीज मेरे साहब को ला दे। कायनात बिलीव मी, वो मैं ही था। नहीं, मुझे पता है तू उस थप्पड़ का ही बदला ले रहा है। तू एक काम कर, तू मुझे मार ले, तू मुझे मार ले, पर प्लीज मेरे सैफ को ला दे, प्लीज। कायनात, मैं ही सैफ की जगह बात कर रहा था। एक सेकंड, मुझे पता है सैफ मुझसे मजाक कर रहा है ना। मैं उससे ना अभी फोन मिलाती हूँ। कायनात, मैं ही सैफ की जगह बात कर रहा था। सूरज, इसने ना सैफ को कुछ कर दिया, तभी उसको फोन लेकर आया है ये। इसने कुछ करा है सैफ के साथ। इसे बोल फोन उठाए, मैं ना सैफ की आवाज पहचानती हूँ। इसे बोल फोन उठाए। फोन उठा। भाई मैं ही सैफ की जगह बात कर रहा था। फोन उठा। हेलो, बोल बोल। हेलो, ये सैफ नहीं है, मैं आवाज पहचानती हूँ उसकी, ये सैफ नहीं है। मैंने तुझे बोला था ना, इसने ना पक्का सैफ के साथ कुछ करा है, आवाज उसकी नहीं है। मैं कह रही हूँ सूरज, उससे मुझे पूरा यकीन है इससे कुछ। हेलो, कायनात, मैं ही बात कर रहा था। आई हेट यू, तुमने मेरे साहब के साथ कुछ करा है ना। देखो प्लीज मुझे मेरा साहब ला दो। कायनात, मुझे लगा था कि मैं तुम्हें उस कंडीशन से निकाल दूंगा। कायनात, इसने बोला ना जाने को, जा। लेकिन भाई इसकी हालत खराब हो रही है। वो मैं देख लूंगा, तू निकल यहां से। करण, इसे गांव से बाहर फेंक के आ। भाई मेरी बात सुन, भाई मेरी बात सुन, भाई जिगर पे चोट है, जुदाई तेरे तो तेरी ए दुनिया तो जाओ अर्थे, तनु मोड़ा है देने ले लोग नियाने। एक हम है जो तुझको खुदा मानते।
साड़ी गली जे तू आएगा करे तेनु दर्द खिलाने ते अंजो पिलाने ये कैसा सलूक है तेरा सावरे गुलाब के फूलों को पत्थर क्यों जाने एक हम हैं जो तुझको खुदा मानते हैं। क्या हो गया भाई? साले मना किया था ना मत जा, लेकिन नहीं तेरे को तो मुंह पे बोलना है ना। अब चुप क्यों है? बोलेगा क्या हुआ है? मैंने वो आ गया भाई। यार हेमंत सब मंजूर है, उसका मारना, ये सब हरकत करके उन लोगों का मारना, सब कुछ मंजूर है। लेकिन जब मैं आ रहा था ना तो वो बेहोश हो गई थी और उन्होंने मुझे उसे देखने तक नहीं दिया। अरे भाई शुक्र मानो जिंदा वापस आने दिया, ये तो कहाँ मार के फेंक देते हमें पता भी नहीं चलता। अब मेरी बात सुन ले ध्यान से, आज के बाद अपने मुंह से उस लड़की का नाम भी नहीं लेगा, आ गई समझ? को खुदा मानते हैं एक तू है जो हमको बंदा भी ना माने ये कैसा सलूक। तेरे धोखे ने सजना मैनू मार मुकाया, मैं मरते गया हां फिर सा क्यों आया, जग नू रवाया मैं तेनू हसाया, फिर भी पल्ले बंजर अखियां च सावन लवाया ते महजुआ दी बारिश च प्यार बहाया, तेरे धोखे ने सजना मैनू मार। अबे चेहरा देखा ही नहीं मैं कैसा हो रखा है, अगर ऐसी बात है ना तो चल देख लेंगे फिर क्या होगा। अरे भाई क्या बात कर रहा है, अरे ना आकर देना तो 3 दिन बाद हम भी इसके साथ बैठ के दारू पी रहोगे। हेमंत मुझे ना मेरे हाल पे छोड़ दे प्लीज, जाया से। अबे साले मर जाएगा ऐसे, छोड़ छोड़ छोड़। अबे तो तुम बता क्या करूं, बोल साले क्या करूं, 1 महीना हो गया वो बात नहीं कर रही, कॉल करता कॉल नहीं उठाती, और ये दिल भी तो नहीं मानता ना, समझ नहीं आ रहा कैसे समझाऊं खुद को, बता क्या करूं। वैसे भाई मेरे पास एक आइडिया है, वो तेरे को सैफ की वजह से छोड़ के गई थी ना, तो एक काम कर उसको मैसेज कर और बोल दिल्ली में तेरी बहुत जान पहचान है, तो उसकी सैफ को ढूंढने में मदद करेगा और इससे तेरा गिल्ट भी कम हो जाएगा
और तुम दोनों साथ भी रहोगे। ए भाई देख देख आइडिया अच्छा ना लगा हो ना, देख भाई मारियो मत, देख देख मेरे पास बहुत सारे आइडिया आते हैं, मैं तेरे को बताता नहीं, तू हर टाइम गुस्से में रहता है। अबे जरा जरा अबे साले पहले क्यों नहीं बोला? आइडिया अच्छा है? बहुत अच्छा आइडिया तो बहुत आते मेरे पास में, लेकिन मैं बताता नहीं। खन्नत मेरी बात सुनो, देखो मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हो गई, बट मेरी ना दिल्ली में बहुत जान पहचान है, तो अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। तुम दिल्ली आ जाओ और हम दोनों मिलके सैफ को ढूंढेंगे। मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ यार, प्लीज़ एक मौका दे दो। यार तू पागल हो गई है क्या? तू उस पर यकीन कर रही है? वो एक नंबर का झूठा है। देख यार सूरज, मैं नहीं जानती कि वो कैसा है और कौन है, बट अगर वो सिम उसे दिल्ली में मिली है ना, तो सैफ दिल्ली में ही हो सकता है। लेकिन यार वो सैफ को नहीं जानता। बट यार वो कह रहा था कि उसके दिल्ली में बहुत अच्छी जान पहचान है, और मैं एक भी चांस नहीं खोना चाहती कि जिससे मुझे सैफ का पता चले और मैं उसे ना ढूंढूं। देख तू पहले ही बहुत टाइम वेस्ट कर चुकी है सैफ के चक्कर में, अब और नहीं मिल सकता यार वो। क्या मतलब? मतलब ये है कि अगर उसे मिलना होता तो वो कब का मिल जाता। नहीं मैं जाऊंगी, और क्या पता सैफ मिल जाए। क्या पता के चक्कर में तू अपनी कितनी लाइफ खराब करेगी। लाइफ तो खराब हो ही चुकी है सूरज, पर क्या पता ये लाइफ ठीक हो जाए अगर सैफ मिल जाए तो। चल ठीक है, मैं भी चलूंगा तेरे साथ। नहीं तू नहीं जाएगा। यार मैं तुझे अकेले नहीं जाने दे सकता। देख सूरज तू बस किस तरह ना मम्मी को संभाल ले, मैं जल्दी आ जाऊंगी। लेकिन 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 कुछ नहीं। देख सूरज तू बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, बस एक एहसान और कर दे इस दोस्त पर। चल ठीक है तू ये भी कोशिश कर ले, लेकिन हाँ ध्यान रखियो तू डेली मुझसे बात करेगी। सॉरी कायरा, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। इट्स ओके, बट अब मुझे ये बताओ कि हम सैफ को कैसे ढूंढेंगे। देखो जहाँ मुझे सिम मिली थी ना, हो सकता है कि वहाँ पे ना फोन भी हो, और जिसने मतलब जिसे फोन मिला होगा उसने सिम निकाल के फेंकी होगी, हो सकता है उसे सिम फेंकते हुए किसी ने देख लिया हो। तो तुम्हें ये सिम कब मिली थी? 8 महीने। 8 महीने पहले की बात किसी को कैसे याद हो सकती है, अगर उन्होंने देखा भी हो तो। ये वहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं, क्या पता किसी ने देखा हो। ठीक है
अरे कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी तो ये खाओ ना, बहुत अच्छी है। यार हेमंत, सुबह से शाम हो गई लेकिन किसी ने कुछ नहीं देखा, किसी को कुछ नहीं पता। भाई यार चल घर चलते हैं, वो भी थक गई होगी। सॉरी कायनात, यहाँ पे तो किसी ने कुछ भी नहीं देखा। कायनात तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे सैफ को जरूर ढूंढ निकालूंगा, वो तुमसे जरूर मिलेगा। कायनात भाई देख, ये यहाँ आ तो गई है, कहीं देख लियो उसका पता भी ना लगे। मैं भी यही सोच रहा हूँ यार हेमंत। भाई एक काम करते हैं ना, उसकी मिसिंग की कंप्लेंट करवा देते हैं। यार हेमंत शुरू से शुरू करते हैं। देख हमें वो सिम दिल्ली में मिली तो तीन चीज हो सकती है। पहली, वो सिर्फ दिल्ली आया होगा और उसका मोबाइल गिर गया होगा। दूसरा, जैसे तूने कहा था कि वो इसके प्यार से परेशान हो गया होगा और अपनी सिम निकाल के फेंक दी होगी। तीसरा, कि उसका मोबाइल किसी ने चोरी कर लिया होगा और मोबाइल रख लिया होगा और ये सिम फेंक दी होगी और वही सिम हमें मिल गई। भाई उसने ना सिम फेंकी होगी, अगर वो इससे इतना प्यार करता तो वापिस तो जरूर आता ना। मतलब ये कन्फर्म है कि सिम जो है वो सैफ ने फेंकी है। मतलब हमें सैफ को इसके सामने लाना पड़ेगा भाई। लेकिन भाई इससे फोटो तो ले, हम किसे ढूंढ रहे हैं हमें भी तो पता होना चाहिए। सही कह रहा है। क्या बना रही है? तो फिर क्या करना है आज? कुछ नहीं, मैं सोच रहा हूँ ना कि एक न्यूज़पेपर में नोटिस डलवा देते हैं मिसिंग की। उससे कुछ होगा? हाँ क्यों नहीं होगा, वो देखेगा तो आ जाएगा। तो कर दो फिर। हाँ बट उसके लिए ना एक फोटो चाहिए होगी, उसके लिए दो। फोटो तो नहीं है मेरे पास। क्या तुम्हारे पास उसकी कोई फोटो नहीं है? नहीं। क्यों? कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, मैं बस मिली हूँ उससे। तो कभी दिल नहीं किया उसकी फोटो अपने फोन में रखने का? अरे मैडम ये देखो, जब से तुमसे बात हो रही है ना, जितनी भी तुमने डीपी चेंज करी है वो सारी फोटो आज तक इस फोन में सेव है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ।
अबे यार उसके पास उसकी कोई फोटो नहीं है। क्या? हाँ उसके पास उसकी कोई फोटो है ही नहीं। क्यों? कह रही थी कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। अरे चूतिया है क्या वो लड़की? अबे ओ मेरा मतलब भाई पागल वागल है क्या? वो इससे इतना प्यार करती है और दिल्ली भी आ गई उसे ढूंढने और उसके पास कोई फोटो ही नहीं है। यार समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। भाई तू एक काम कर, सचिन भाई के पास फोन लगा और ये सिम का नंबर दे, बोल इसकी हिस्ट्री निकाल के देंगे। सचिन भाई वो बड़े वाले भैया पुलिस वाले? हाँ भाई। अरे भाई पागल वागल हो क्या, क्यों घर तक मत पहुंचा रहे हो? अबे बड़े भाई है समझ जाएंगे सारी चीज। क्या सोच रहा अब? सही कह रहा है, ये सिम ही ना हमें सैफ तक पहुंचा सकते हैं। मैं बात करता हूँ सचिन भाई। मैंने नंबर तो दे दिया है, वो कह रहे हैं कि दो तीन दिन में पता करके बताता हूँ। हाँ तो सही है, क्या दिक्कत है? अबे बता देंगे यार वो। तुम्हें मोमोज सच में इतने पसंद है? आजम मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, सूरज का कॉल आया था, मम्मी बार बार मेरे बारे में पूछ रही हैं। पता है कहना दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि हम एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहे हैं जिसके पास हमारी कोई फोटो नहीं है। वो कैसा दिखता है कैसा नहीं दिखता वो सिर्फ तुम जानती हो, उसे सिर्फ तुमने देखा है। अब बताओ कैसे ढूंढूं उसे? क्या हुआ? एक बात बताऊं, मैंने भी उसे कभी नहीं देखा, बस महसूस किया है। क्या मतलब? मतलब कि वो जब भी मुझसे मिलता था ना मेरी आंखों पे पट्टी बांधता था। क्या? हाँ वो कहता था कि जो प्यार देख कर किया वो प्यार ही क्या, और फिर जब भी हम मिले तो मेरी आंखों पे पट्टी होती थी और उसने मुझे बस दो तीन बार हग किया। फिर जब मैंने ज्यादा जिद करी कि मैं आंखों पे पट्टी नहीं बांधूंगी और मुझे मिलना है तो वो मान गया, बट उसके बाद वो कभी मिला ही नहीं। भाई अब तो कंफर्म हो गया है, ये लड़की चूतिया नहीं महा चूतिया है। अबे ओ पागल है क्या? नहीं क्या पागल है, क्या पागल है? हदसे ज्यादा प्यार करती है और आज तक देखा तक नहीं है। अबे सपने अपने में रहती है क्या? इसे प्यार नहीं चूतियापा कहते हैं। रुक जा, इसका तो सपना मैं तोड़ूंगा अभी। अरे मोटू भाई रुक जा, रुक जा भाई, हट जा, मेरे सर पे खून सवार है, तेरे को कुछ नहीं होने चाहिए। मेरी बात सुन, कभी कभी ना लोगों का प्यार करने का तरीका अलग होता है। हट जा भाई, मैं कुछ नहीं सुनूंगा आज। साले ज्यादा सर पे चढ़ गया क्या? भाई थोड़ा सा गुस्सा ही तो चढ़ा था, प्यार से बोल देता उतर जाता, और इसको समझा कि सैफ को गोली मारे और अपने घर जाए। अबे कायनात तो इधर है, इस नंबर पे अभी भी फोन आ रहे हैं। पता नहीं यार अननोन नंबर से कॉल है। हेलो कौन बात कर रहा है? आदम। आप कौन बोल रहे हो भाई? मतलब इस नंबर पे फोन करके आजम, जिसका नाम लेके तो पिछले 8 महीनों से कायनात का पागल बना रहा है। सैफ? हाँ सैफ, सुन मेरी बात ध्यान से, वो सिम मैंने ही फेंकी थी और तूने क्या किया, मेरा नाम लेके कायनात से बात की और उसे अभी भी दिल्ली घुमा रहा है। तुझे क्या लगता है तू मुझे ढूंढ लेगा? कहाँ है भाई तू? मैं कहाँ हूँ ये छोड़ दे, बस इतना जान ले मैं उससे प्यार नहीं करता। अपना और उसका टाइम खराब मत कर, बस इतना जान ले मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूंगा। हेलो 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 हेलो, कौन था सैफ? ये सैफ था, और ये मेरे बारे में सब कुछ जानता है, सब कुछ। अबे हाँ कि मतलब ये सिम मुझे मिली, मैंने इसका नाम लेके कायनात से बात करी, मैं इसके गाँव गया, सब कुछ जानता है। नहीं नहीं भाई ये सैफ नहीं हो सकता, ये कोई ऐसा बंदा है जो तेरे को और कायनात को बहुत अच्छी तरीके से जानता है, उसका कोई दोस्त सूरज। नहीं यार ये सूरज की आवाज़ नहीं थी, सूरज को तो मैं पर्सनली मिला हूँ, ये सूरज की आवाज़ नहीं थी। भाई तू मेरी बात सुन, अभी इसको कुछ भी मत बताइए जब तक सचिन भाई कंफर्म नहीं करते हैं, फालतू में पागल हो जाएगी। और दिमाग में थोड़ा जोर डाल, कौन हो सकता है, सोच स्टार्टिंग से लेके अब तक।
ठीक है। क्या हुआ? और तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो कुछ पता चला? हाँ, वो हेमंत के बड़े भाई है ना, वो पुलिस में है, तो वो छानबीन कर रहे हैं। तुम टेंशन मत लो, कल तक जरूर कुछ ना कुछ पता लग जाएगा। तुम सो जाओ। ओके। मैं वही बोलूं, सैफ और कोई नहीं, मैं ही हूं। क्या? हाँ, मैं ही सैफ हूं। सैफ को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, प्यार करता था मैं कैनस से, लेकिन जब मुझे पता चला कि वो सैफ से प्यार करती है तो मैं पीछे हट गया, क्योंकि इसी में उसकी खुशी है। और सैफ को मैं पर्सनली जानता हूँ, और तू कह रहा कि तू सैफ है। सैफ को मैं पर्सनली जानता हूँ, और तू कह रहा कि तू सैफ है, और सैफ को मैं पर्सनली जानता हूँ। राजकुमार? हाँ, और यो सिम ना ज्यादातर ना यूपी में यूज हुई है, दिल्ली की ना है, बहुत कम यूज हुई है दिल्ली में। ओके मैम। राजकुमार भाई, मैंने बहुत सारी मूवीज देखी है, ये सब करने वाला ना कोई करीबी दोस्त होता है, जरूर सूरज ही होगा। भाई यार, वो सब फिल्मी दुनिया है यार, और ये रियल जिंदगी है, रियल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। भाई मैं एग्री कर रहा हूँ मोटो की बात से, तू मान या मत मान, ये पक्का सूरज ही है। क्या हुआ, कुछ पता चला क्या? नहीं, वैसे मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हाँ पूछो। कह रहा तुम्हारे रिलेटिव में, अरे मुझे कोई बताएगा हम जा कर रहे हैं? बस के गांव जा रहे हैं इसे छोड़ने। क्या? अरे भाई कहीं इसके दोस्त आ गए तो तेरा जैसा हाल तो नहीं कर देंगे हमारा? अरे यार कुछ नहीं होगा, कितना टाइम लगेगा यार इसमें? भाई गर्म हो गई यार, 30 मिनट तो लगेंगे। तुम सब देखते रहो, मैं जा रहा हूँ सुसु करने।
हेलो भाई। हेलो, कैसे हो भाई? सॉरी भाई, तेरे को अभी देखा नहीं है यहाँ पर। कौन? अरे भाई, वो हम बिलासपुर जा रहे थे तो रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई। अच्छा, वैसे बिलासपुर के आगे मेरा गांव पड़ता है, तुम बोलो तो छोड़ दो। है ठीक है भाई, मैं अपने दोस्तों को बता के आता हूँ अभी। अरे मूत के तो पूरा जा। अरे वो रास्ते में स्कूटी पे धार मार दूंगा पीछे से। अरे हेमंत। हाँ। अबे मुझे लिफ्ट मिल गई है, मैं बिलासपुर ही मिलूंगा। अबे कौन मिल गया सुन। अबे तू करता रे, मैं जा रहा हूँ। अबे यार इसमें कितना टाइम लगेगा भाई? 10 मिनट और। चलो भाई। अबे आराम से बैठ भाई। सॉरी भाई, चलो ना। अबे यार कुछ ड्रामा तो नहीं होगा ना? कुछ नहीं होगा, सिर्फ बात करनी है। क्या हुआ, क्यों बुलाया मुझे और कायनात कहाँ है? कायनात को मैंने घर छोड़ दिया। चल ठीक है, सैफ का कुछ पता चला? नहीं, सैफ का तो कुछ नहीं पता चला, लेकिन उसका मेरे पास कॉल आया था। कॉल आया था? हाँ कॉल। तो उसने बताया कि वो कब आ रहा है? उसने ये तो नहीं बताया कि कब आ रहा है, लेकिन उसने मुझसे ये कहा कि सारे ड्रामे बंद कर दे, मैं तुझे कभी नहीं मिलूंगा। लेकिन क्यों? ये बात तो वही जा रही यार, इसलिए मैं आ गया, कायनात को घर छोड़ दे। चल ठीक है, मैं कायनात से मिल लूं। राजकुमार। तूने मेरे पापा का नाम क्यों लिया? क्या हुआ, कुछ पता चला क्या? नहीं, वैसे मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हाँ पूछो। खैर, तुम्हारे रिलेटिव में या तुम्हारे कोई भी दोस्त, कोई भी जान पहचान का आदमी कोई ऐसा है जिसका नाम राजकुमार हो? नहीं, मेरा कोई दोस्त नहीं है राजकुमार, और मैं ऐसे किसी को जानती भी नहीं हूँ। बट सूरज, सूरज के पापा का नाम है राजकुमार। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने तुम्हें बताया था ना कि हेमंत के बड़े भाई पुलिस में, तो वो छानबीन कर रहे हैं, उनका कॉल आया था कि ना मतलब टाइम लग जाएगा इन सारी चीज़ों में, तो मैं सोच रहा था कि तुम घर चले जाओ और जैसे कुछ पता चलेगा मैं तुम्हें बता दूंगा। मम्मी भी परेशान हो रही है। लेकिन बिलीव मी, मैं तुम्हारे सैफ को ढूंढ लूंगा। ठीक है। तेरे पापा का नाम क्यों लिया? 805-2180, ये नंबर भी तेरे पापा का है? नहीं, मुझे नहीं पता। तुझे नहीं पता? एक सेकंड रुक। स्विच ऑफ। अपना फोन दिखाएगा? औकात में रह के बात कर। औकात में रह के बात कर। सुन बे, उस दिन गलती थी इसलिए पिट के चला गया था। आज अगर ऐसी गलती कर दी ना तो ये हाथ तोड़ के ऐसी जगह डालूंगा, किसी को बताने में भी ना बहुत शर्म आएगी। और तू फोन दिखा दे। ये तेरे फोन में 2 सिम है और 1 सिम बंद है, क्यों? मतलब कि इतने दिन से जो ड्रामे चल रहे थे उनके पीछे तू है, और सैफ और कोई नहीं, तू है। नहीं, सैफ मैं नहीं हूँ। फिर तूने उस दिन मुझे कॉल क्यों किया? वो कॉल मैंने नहीं किया। और सूरज,
क्या हो गया, सब ठीक है ना? और ये लोग कौन है? अरे यही तो मेरे दोस्त हैं, आजम और अहमद। और आजम भाई, कायनात को अगर छोड़ दिया? कायनात? तुम लोग यहाँ पर कायनात को छोड़ने आए थे? और क्या, अंडे देने थोड़ी ना आएंगे यहाँ पे। आयान तू घर जा। सूरज आजम यहाँ? ये मेरा नाम कैसे जानता है? आयान मैंने कहा ना तू घर जा, मैं आता हूँ। सूरज वो, तू मेरा नाम कैसे जानता है? तू सैफ को जानता है क्या? सैफ? आज हम वो कॉल मैंने ही कराए थे ताकि तू कायनात को यहाँ छोड़ जाए, उसका टाइम वेस्ट ना करे। अच्छा, और वो सिम जो सैफ यूज कर रहा था वो तेरे पापा के नाम पे क्यों थी? वो देख, हेमंत के बड़े भाई ना पुलिस में, अगर मैंने उन्हें ये मैटर बताया ना तो वो अपनी तरीके सुलझाएंगे, तो सच सच बता दे। पुलिस? आयान तू घर जा, मैं आ रहा हूँ। देख सूरज, मैंने तेरे को पहले बोला था ना कि मैं इस मैटर में फंसना नहीं चाहता, और देख ये वही मैटर हो रहा है। देख भाई, मैंने तेरे को सब कुछ सच बताता हूँ। जिस सैफ की तू बात कर रहा है ना, वो सैफ मैं हूँ। सैफ तू है? फिर ये तुझे आयान क्यों बोल रहा था? देख भाई, मैं एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ, मैं मोस्टली दिल्ली रहता हूँ। जब मैं पिछली बार गाँव आया था तो मैं सूरज से मिला था। और भाई सूरज, क्या हाल है तेरे? अरे मैं तो ठीक हूँ, तू बता तू कब आया और कैसी चल रही है तेरी एक्टिंग? भाई देख, एक्टिंग तो बढ़िया चल, बस तू मुझे इतना बता दे कि तूने अपने दिल की बात बोल दी कायनात को? अरे नहीं यार, हिम्मत ही नहीं होती। कभी कभी लगता है कि बोल दूँ, फिर ऐसा लगता है कहीं दोस्ती भी ना टूट जाए। मेरे भाई तू उससे इतना प्यार करता है और तू बोल भी नहीं पा रहा। डर लगता है यार। अच्छा ऐसा है, तू कहे तो मैं बोल दूँ? अबे नहीं यार। तो तू फिर एक काम करना, तू ना कोई और बन के बात कर, नया नाम नया सिम। जब तेरी उससे दोस्ती हो जाए और जब तुझे लगे कि टाइम सही है तो सब कुछ सच बता दियो। नहीं यार, मेरी आवाज पहचानती है वो। तो तू एक काम कर, तू किसी फ्रेंड से बुलवा दे, वर्ड्स तेरे होंगे और वॉइस उसकी। अरे यार वो सबको ही जानती है। अच्छा भाई, तो तू फिर एक काम कर, तू ना ऐसी रह, जब तेरी आंखों के सामने से उसे कोई लेकर चला जाएगा ना, जब तुझे पता लगेगा। चलता हूँ मैं। हाँ बोल, तूने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? यार तू सही कह रहा था, मैंने बहुत सोचा इस बारे में, मैं कायनात को किसी और के साथ नहीं देख सकता। ये हुई ना बात। अब तू एक काम कर, एक अच्छा दोस्त ढूंढ जो अच्छी एक्टिंग कर सके और कायनात को बिल्कुल शक भी ना हो। ये काम तो सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है। कौन? तू। मैं? वो कैसे? यार देख, तू एक एक्टर है और ये काम तू ही कर सकता है, तो तू ही उससे बात कर। अबे तेरी वो बात तो ठीक है यार, लेकिन एक बात बता, मैं उससे बात क्या करूंगा? और तुझे पता है कि मैं कभी यहाँ रहता हूँ तो कभी दिल्ली। तभी तो बोल रहा हूँ, ये काम सिर्फ एक एक्टर ही कर सकता है, और मैं तुझे इस बात के पैसे भी दूंगा। यार वो बात तो ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बता, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या करेंगे हम? तो ये सिम तोड़ के वहीं फेंक दियो। फिर मैंने कायनात को एक फेक कॉल की, हमारी बातें शुरू हो गई, उसे मुझसे प्यार हो गया, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये प्यार इतना गहरा हो जाएगा। खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है? देखो ना मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। अंजाम है तै मेरा, होना तुम्हें है मेरा, जितनी भी हो दूरियां फिलहाल है। यार ये सब तो ठीक है सूरज, लेकिन यार उसका प्यार ना दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। कोई नहीं, तू ऐसे ही चलाता रहे, टाइम आने पर मैं खुद देख लूँगा। यार तुझे पता ना कि मेरी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, और मुझे डर लगता है यार कहीं मैं फंस ना जाऊँ। कोई नहीं यार, मैं हूँ ना। और यार सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, जब भी मैं उसे कॉल करता हूँ वो एक ही बात बोलती है, मुझे मिलना है मिलना है। अब तू ही बता मैं क्या करूँ।
फिर मैंने आयान को बोला कि उसे कन्वेंस करे कि मैं तुम्हारे सामने तभी आऊंगा जब तुम्हारी आंखों पे पट्टी होगी, और फिर मैंने उसे कन्वेंस कर लिया। तस्वीर के सहारे मौसम कई गुजारे, मौसमी ना समझो पर इश्क को हमारे, नजरों के सामने में आता नहीं तुम्हारे, मगर रहते हो हर पल मंजर में तुम हमारे, गर इश्क से है मिला फिर दर्द से क्या गिला, इस दर्द में जिंदगी खुशहाल। आज यार पूरे 7 महीने हो चुके हैं और वो मुझसे मतलब वो सैफ से बहुत ज्यादा प्यार करने लग गई है। सच बताऊं तो मुझे भी ऐसा लगता है कि बात अब मेरे हाथ से भी आगे निकल चुकी है, लेकिन तू ये पकड़ और एक्टिंग कंटिन्यू रख। और उसका क्या जो मुझसे हर बार मिलने के लिए बोलती है? तो तू वही करना जो पहले किया था, उसकी आंखों पे पट्टी बांध और मिल ले। मुझे लगा मैं संभाल लूंगा, लेकिन उसकी जिद इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मुझे मिलना है और वो भी बिना पट्टी के। हाँ बता क्यों बुलाया? देख भाई, इस ड्रामे को करते करते ना पूरा 1.5 साल हो चुके हैं, अब मैं और नहीं कर सकता। लेकिन यार कुछ दिन और बस। ये ले सूरज, जो अभी तक तूने मुझे पैसे दिए थे ये वो सारे हैं। ये ड्रामा मैं और नहीं कर सकता, मैं किसी के इमोशंस के साथ नहीं खेल सकता। लेकिन यार आयान मेरी बात तो सुन। सूरज तू मेरी बात सुन, तुझे पता है कि मेरी बंदी और मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, और वो कायनात एक झूठे सैफ से। ये रहा तेरा फोन, इसमें तेरी सिम, अगर तुझे हिम्मत है क्लाइंट को बताने की तो उसे बता दे, वरना इस सिम को फेंक दे और सबको हमेशा के लिए मार। फिर मैं दिल्ली गया और ये सिम फेंक दी। उसके 2 महीने बाद ये सिम फिर चालू हुई। जब कायनात ने मुझे बताया मैं खुद हैरान था। मुझे लगा ये ड्रामा जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन वो कहते हैं ना, आप कितना भी गलत कर लो वो एक ना एक दिन आपके सामने आ ही जाता है। सच में दुनिया बहुत छोटी है। अबे साले, जब प्यार करता था तो डायरेक्ट बोलता ना, ये ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? ड्रामा मैं भी नहीं करना चाहता था, प्यार करता था मैं उससे, लेकिन ये ड्रामा कब हो गया मुझे नहीं पता चला। तेरे धोखे ने सजना मेनू मार मुका। कायनात मैं ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहता था, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दे। दूर हो जा मेरी नजरों से, तू जानता है ना कि मैं कैसी हूँ, मुझे प्यार व्यार के चक्रों में नहीं पड़ना था, और अगर तुझे मुझसे प्यार था तो तू मुझे डायरेक्ट बता देता ना, मेरे इमोशंस के साथ खेल के तुझे क्या मिला। गलती हो गई यार सूरज, दूर हो जा मेरी नजरों से, मैं तुझे कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। कायनात जा यहां से। कायनात मैंने कहा चला जा यहां से। हो मैनू पता मोहब्बत हुण तो मैनू नहीं करदा, मैनू पता मोहब्बत हुण तो I'm not afraid.
कनक कनक हेमंत गाने लग गया कनक कनक मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारा शुक्रिया करूं या तुम पर गुस्सा पर अगर आज तुम नहीं होते तो मैं इसी ख्याल में अपनी जिंदगी खत्म कर लेती कि सैफ मुझे छोड़कर चला गया तुम वापस दिल्ली चले जाओ थैंक यू कायनात मुझे नहीं पता तुमसे इस टाइम पे ये बात कहनी चाहिए या नहीं लेकिन जिस सैफ से तुम प्यार करती थी जो कभी था भी नहीं उससे ज्यादा ये करता तुमसे हेमंत रहने दे यार अबे बोलने दे भाई कभी कभी ना जिंदगी में किसी का साथ चाहिए होता है जो हमारे साथ खड़ा हो और ये मेरा दोस्त है ये हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा नहीं हो पाएगा हेमंत अब प्यार नहीं हो पाएगा कायनात Can I hug you? सिर्फ एक बार प्लीज अपना ध्यान रखना कायनात आज पूरे 65 दिन हो गए हैं तुम्हें हक किए तुम्हें देखे हुए प्लीज़ अगर तुम ये मैसेज देख रही हो तो प्लीज़ रिप्लाई मी मुझसे नहीं रहा जा रहा यार तुम्हारे बगैर क्या हुआ आया रिप्लाई नहीं यार आज पूरे 65 दिन हो गए और उसका कोई रिप्लाई नहीं आया कोई मैसेज नहीं आया 65 दिन 65 दिन क्या हुआ साले तू किस सोच में पड़ गया तुझे याद है जब उसका पहली बार मैसेज आया था तो उसमें भी यही लिखा था कि आज 65 दिन हो गए मैंने तुम्हें देखा नहीं है प्लीज मुझसे बात कर लो मतलब लाइफ घूम फिर के वहीं आ गई है बस फर्क इतना है कि कायनात की जगह तू है रोना सुने मेनू मोरा दा अस तेरे आ दीवाने जानी वे तू है दीवाना हो रादा मेरी गलियां च सुने मेनू रोना सुने मोरा दा अस तेरे आ दीवाने जानी वे तू है दीवाना हो रादा मेनू दुनिया ने समझाया सी शायरी तेरी चंगी है पर चंगा नहीं इंसान तू मैं एक ना मन्नी दुनिया दी तेरी हो गई वे की पता से सच्ची तू सी नहीं सो हेलो गाइस आई नो कि बहुत सारे कमेंट आने वाले हैं कि भाई बहुत वीडियो लेट है और बहुत ज्यादा वीडियो लेट है तो यार देखो मैं ना 40 मिनट का कंटेंट ये बनाया है तो इसमें लिखना शूट करना तो इसमें यार बहुत ज़्यादा टाइम गया है सो आई एम रियली सॉरी फॉर दिस बट वीडियो आ गई है लाइक ज़रूर करके जाना देखो लास्ट टाइम अराउंड 15,000 लाइक आए थे तो इस बार अराउंड
20,000 लाइक मुझे चाहिए, तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, कमेंट जरूर करके जाना, कमेंट जरूर करके जाना, क्योंकि कमेंट से मुझे पता लग जाएगा कि भाई आपको वीडियो कैसी लगी है, पूरी सीरीज कैसी लगी है। तो प्लीज कमेंट जरूर कर देना, शेयर कर देना वीडियो को ताकि आगे शेयर हो जाए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जो नई वीडियो है वो आ जाए, मतलब जो नई वीडियो है वो आपको पता लग जाएगी भाई कब आ रही है, कैसे आ रही है, किस तरीके की आ रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जैसे कि मैंने बताया था राजबेट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आपको मिलेगा 200% का बोनस ऑन योर फर्स्ट डिपॉजिट। तो जाके गेम खेलो और गेम खेलते हुए पैसे भी कमाओ, और यार मुझे फॉलो कर लेना, मस्ट फॉलो कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जहाँ से भाई आपको पता लगता रहेगा कि वीडियो कब आ रही है, कैसे आ रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि भाई कि आजम भाई वीडियो, तो आपको उससे पता लगता रहेगा। तो यार फॉलो कर लेना मुझे इंस्टाग्राम पे, एक्चुअली पूरी टीम को कर लेना, और मिलते हैं एक नई सीरीज के साथ में, तब तक लिए बाय बाय, लव यू गाइस। लेकिन 20,000 लाइक करना मत भूलना, पूरा एम है, करवा देना, ठीक है, बाय बाय, लव यू गाइस।